अरे मिस्टर अबू बीटी वाइट, ये कौन सा मिस्टर अबू है भाई? अरे भाई ना यार, कहाँ से अपने आप को बचाऊं मैं यार? ओ तीनों के तीनों बल्कि पूरा स्क्वाड सामने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों? तो मैं आ गया हूँ एक बार फिर मजे की मोमेंट से भरी हुई सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले के साथ। यार क्या हम बुया कर पाएंगे यानी फिर आखिरी जोन में मर जाएंगे? कितने किल्स कर पाएंगे? मरते मरते बचेंगे यानी मर ही जाएंगे यार? तो उतरते ही लग जाते हैं हम अपनी मजदूरी पर जो के है। तो भाई आते ही हमें द मोस्ट डेंजरस गन ऑफ फ्री फायर यानी कार 98 मिल गया। भाई इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि अब हम मैप में तबाही मचाएंगे। बट नहीं यार, हमें उसी गन में UMP भी मिल गया जो कि अच्छी बात है। एंड हमें मिल गया है AK यानी लॉन्ग शॉर्ट रेंज दोनों का बंदोबस्त हो गया। एंड मैंने डिसाइड भी कर लिया कि यार इस गेम प्ले में UMP एंड AK ही चलाएंगे, बाकी रह गया है ग्लू वॉल मेडकिट, वो रास्ते में भी मिल जाएंगे एंड लोगों को मार के भी उनसे लेंगे। एंड इसी के साथ हमारा लूट फेज खत्म होकर शुरू होता है फर्स्ट जोन, जिसे मैं रशर जोन भी कहता हूँ, क्योंकि इस जोन में यार जो लोग रैंक पुश नहीं कर रहे होते वो सारे बाहर निकलते हैं, एक दूसरे से फाइट करते हैं। एंड ऑब्वियसली मैं भी इसी जोन में फुल रश खेलता हूँ। एक दो कदम आगे लेने के बाद देखो गाइज, UAV में तीन बंदे। भाई अभी मजा आएगा ना बिड़ू, ये इसको मैंने फुल रेड बिल्ला 47 को हमने AK-47 से मार दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अरे भाई एक और बंदा है दरमियान में, एक और बंदा है, उसको पहले मारते हैं फिर दोबारा आते हैं अपनी बाउंड्री के पीछे। सबर करो, वो वहां पे कवर में बैठा होगा ना, अंदर जाते हैं फिर देखते हैं कहां पे हो। ये इसका क्या नाम है? MP मैथ्स का फार्मूला। ये कैसे कैसे नाम है भाई, MP मैथ्स के फार्मूले। एंड बिल्ला 47 को हमने AK-47 से उड़ा तो दिया। अब जाते हैं भाई अपनी बाउंड्री की तरफ, लेकिन बाउंड्री को लूटने से पहले इधर उधर जायजा ले लेते हैं, क्योंकि भाई आप लोगों को तो पता है ना, जैसे ही मैं लूट करने बैठ जाता हूँ हर जगह से बंदे आने लगते हैं। भाई वहां पे रिवाइवर है, हो गया भाई, हो गया हो गया हो गया। अब आसमान की ऊंचाइयों में देखते हैं भाई, कोई ना कोई तो आएगा ना। वो एक दो बंदे भाई, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में दो बंदे भाई। इस एक के पीछे एक तो गायब हो गया, दूसरा नहीं गायब हो रहा। इसके पीछे जाता हूँ, अरे भाई ये बस गया भाई 102। अरे नहीं भाई, आसमान की ऊंचाइयों में ही था कि हमने आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया इसे। अरे भाई कोई दूसरा बंदा तो इसके साथ था नहीं, तो रिवाइव तो इम्पॉसिबल है। कहाँ पे है ये? अब इसका क्या नाम होगा? OP मिस्टर पूल, पूल बना हुआ था वो आइकन। और गाइस हम लोग आ गए हैं पोची नॉक में, वो देखो लेवल 3 के एयर ड्रॉप लूटे जा रहे हैं, लोग रिवाइव हो रहे हैं, तो यहाँ पे तो बंदे होंगे। एनएस देखो जिस तरह मेरा शक था ना, सही हुआ क्या? नहीं, प्रेडिक्शन अच्छी निकाली ना, मालूम है तेरे बाप को। चल और गाइस फुल रश मारते हैं। तू कहाँ पे जा रहा है भाई? तुझे मैं स्टाइल से फुल स्ट्रेटेजी से मारूंगा। ये लो हेड कवर, ये लो फिर से हेड, नाइस। अब इसका भी कोई यार नंबर वाला नाम था, DMT-776। आज सारे मैथ्स वाले आ रहे हैं भाई। किसका नाम 47 है, किसका नाम? अब सबर, इसको भी मार देते हैं, नाइस यार, ओनली रेड। अजुल ये भी कोई 67 कुछ था। मजे के नेम वाले आ जा रहे हैं। आई नो कि कुछ लोग बिगिनर होते हैं, उनके नेम ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं, लेकिन हम तो वैसे ही मजाक के लिए कह रहे हैं ना यार। इसको भी बहुत मजे के हेड लगे हैं। OP यार, वो सामने, यार क्या ये हैकर लेवल हेड लगे। बंदे का नाम भी आई थिंक हैकर कुछ था, अगर इसको फिनिश करते हैं उसका नाम देखते हैं। एक मिनट, हैकर ही था यार मेरा जितना देख। वो अरे हैकर, ये तो फिर से उठा हुआ था। अरे हैकर भाई, अब आपका नाम अगर हैकर ना होता तो शायद आपको इतने गंदे हेड ना लगते, लेकिन अब आपका नाम ही हैकर है तो क्या करें, मजबूरी है भाई। मैं मांग नहीं आ, लेकिन मजबूरी है। 12 ग्लू वॉल्स, एमओ बराबर, सब कुछ बराबर, लेकिन फिर भी भाई हमारे अंदर जो लूट का कीड़ा है ना, वो चुलमुल चुलमुल करता है, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। अब मुझे जाना है गरीना की दुकान से, मुझे आर्सेनल की लेना है और भी लूट करना है भाई। बाय द वे मैंने एक्सपेंशन पैक पूरा डाउनलोड नहीं किया, तो इस वजह से आपको कुछ एनिमी के कॉस्ट्यूम नजर नहीं आ रहे होंगे, जैसे कि मेरा बैग है उसका भी वो एनिमेशन नहीं है। अब हम मजे की लूट करेंगे। यहाँ पे हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, हमेशा फोकस राइट वाली साइड पे करो, क्योंकि वहीं पे ग्लू वाल होते हैं यार। हम अक्सर टीममेट के साथ यहाँ पे आ जाते हैं भाई, एक सेकंड के अंदर पूरा सब कुछ खत्म, टाटा हो जाता है। 21 ग्लू वॉल्स के साथ हम लोग अब एंट्री मारते हैं बीमा शक्ति साइड पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी एनिमीज जो होंगे ना वहीं पे होंगे। फर्स्ट जोन भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, सो लेट्स गो टू बीमा शक्ति। अरे गाड़ी की आवाज मुझे आई है, वो है बाइक वाला है। आई थिंक मीशा यूजर होगा। चलो जो भी है, गाड़ी से उतर गया है, बाइक से उतर गया है, अभी मारने के चांसेस है। फिर ड्राइव कर रहा है। अरे
इसने तो भाई मिशन ही लगा। अबे अजुल भाई था हमारा, अजुल भाई जिसको हमने पोची नॉक में मजे मजे के एक एक हेड दिए थे यार। अपने अजुल भाई को गाइस फिनिश करने के बाद हम लोग जाते हैं बीमा साक्ति, जहाँ पे हमने इरादा किया था, लेकिन इस बेचारे की धूमतरी एंट्री की वजह से सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया था। बाय द वे ये जो मैं जोन 1 जोन 2 ये चीजें लिखूंगा ना, ये एग्जैक्टली वैसे नहीं होगा, शायद जोन 2 आ सकता है जोन 1 में, लेकिन टाइमिंग वैसे होंगे ना, मतलब पहला जो रश वाला टाइम होता है फिर पुश वाला टाइम, तो समझ लिया करो। ऑलराइट गाइस सामने पूरा स्क्वाड है, नाइस डबल 60 हेड, 70 या 60 था कुछ था, इसकी एचपी बहुत कम है। अबे क्या भाग रहे हैं, बंदा पिरो लग रहा है, पिरो, अरे 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 लग जा हेड ही नहीं लग रहा था क्या, कर दूसरा बंदा, तू कहाँ से अटप का, इसको भी हेड लगा, ये गया नाइस। ये तो ओपी मिस्टर पूल था भाई, हमारा ओपी मिस्टर पूल जिसको हमने आसमान की बुलंदियों में मारा था, याद है ना शुरू में। अरे भाई ऑलराइट गाइस, इसी के साथ आई थिंक खत्म होता है जोन 1 एंड शुरू होता है सेकंड जोन। इसे मैं प्रो कैंपर्स एंड बिगिनर्स का इलाका इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार जो प्रो पुशर्स होते हैं ना वो इस टाइम पे निकलते हैं थोड़ी बहुत किलिंग करने के लिए। अच्छा। एंड जो बिगिनर्स होते हैं जिन लोगों को गेम का इतना पता नहीं होता, वो शुरू में लूट करने के लिए इधर उधर लैंड कर देते हैं, फिर जब लूट कम्प्लीट करते हैं तो सेकेंड जोन आ जाता है। बात तो सही है। वैसे मैं जा तो क्लॉक टावर राउंड, लेकिन जोन पीछे ये मैं वाज, अरे मिस्टर अबू बीटी व्हाइट, ये कौन सा मिस्टर अबू है भाई? शाबाश। अब इस मिस्टर अबू बीटी व्हाइटी के साथ तो मुलाकात करना ही है भाई हमें। अरे 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 अरे, इस वाले जोन में भाई बहुत से जो कैंपर और पुशर होते हैं ना प्रो प्लेयर्स में मानता हूं, वो निकल आते हैं भाई किलिंग के चक्कर में। राइट, एक ही बंदा है ना, मैं काम करता हूँ रश ही मार देता हूँ यार, लॉन्ग रेंज से मजा नहीं आता। वैसे भी ग्लू वॉल्स हमारे साथ काफी ज्यादा है। ऑलराइट गाइस एक ही बंदा है। ओनली रेड, नाइस यार, ओनली फुल टमाटर लगे, एकदम हैकर लेवल ओपी। ग्लू वॉल तो ज्यादा है, लेकिन यार एक काम करता हूँ, यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि ओपन फील्ड है ना, काम गलत है भाई, पूरे चारों साइड से मुझे पड़ सकती है, जितने भी ग्लू वालों क्यों जाया करे ना, आखिर में काम आएंगे। वो देख रहे हो ना क्लॉक टावर से भी एक बंदे एक चांसी नजर आ गया है ना थर्ड पार्टी के चक्कर में, क्योंकि भाई थर्ड पार्टी में जो मजा है ना वो नॉर्मल के लिए में नहीं है। यहाँ से निकलना पड़ेगा फुल स्पीड के साथ। ना। अबे बस ना, इतने दूर में आ गए, अभी भी क्लॉक टावर से पड़ रही है, इस साइड पे ग्लू लगा लेता हूँ। अरे अभी भी पड़ रही है यार, क्या सीन है, क्या सीन है यार, कहां से पड़ रही है। आई थिंक ये जो वुडन स्टेयर्स है ना वो देख रहे हो ना, वहाँ उसके नीचे छुपा हुआ है, थोड़ा अपना काम करेगा मिस्टर अबू बीटी व्हाइटी ने एक और किल कर दिया। अरे ना। अबे यार मुझे जाने दो यार, कवर में जाने दो, मैं यही कह रहा था ना, यही बात मैं आपसे कह रहा था कि भाई ओपन फील्ड में जाना अजाब है। मैंने गलती की कि मैं ओपन फील्ड की तरफ गया, लेकिन चलो पहुंच ही गए भाई, पहुंच गए, बस नजदीक है यहाँ पे। ना अब कहां से पड़ रही है, आगे के पीछे, आई थिंक दोनों साइड पे। अरे भाई ना यार, कहाँ से अपने आप को बचाऊं मैं यार, अरे मुझे चक्कर आने लग गया, कहाँ से अपने आप को बचाऊं, हर तरफ से पड़ रही है और इतने ज्यादा, अभी भी 16 बंदे। अरे मिस्टर अबू बीटी किल हो गया, अरे नहीं भाई, क्या पता रिवाइव हो जाए, अभी चांसेस है क्या पता रिवाइव हो जाए। इस एक बंदे को मैं फ्लैश ग्रेनेड फेंकूं, उसको मैंने बहुत अच्छा हेड मारा यार, वो मेरी तरफ भी फ्लैश ग्रेनेड। अरे ये लग जा, मर जा, नाइस, क्या ही गंदे बॉडी शॉट लगी है। आई एम श्योर की शुरू में जब पोचिनोक में मैंने एकदम हैकर लेवल हेड मारे थे ना, तो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कमेंट कर दिया होगा कि भाई पैनल यूजर हैं, चले गए होंगे, लेकिन अगर अभी ये देख लिया होगा तो अभी सॉरी, ये मार्टिन का अगर लग जाता तो मैं तो चला जाता भाई, लेकिन अगर अभी देख ले होंगे तो अभी सोच में हो जाएंगे कि भाई ये हमने क्या कर दिया। भाई यही गेम है भाई फ्री फायर, कभी हैकर की तरह हेड मारोगे नाइस लाइक दिस, एंड कभी बिल्कुल बॉडी शॉट पे बॉडी शॉट मारोगे। आई थिंक इसी के साथ सेकंड जोन को हम खत्म करते हैं एंड शुरू होता है लास्ट जोन। इस जोन में भाई बस लोगों को बुया की पड़ी होती है, चाहे बिगिनर हो, प्रो हो, कैंपर हो, पुशर हो, रशर हो, जो भी हो, सिर्फ बुया पे फोकस होता है भाई। ऑलराइट गाइस, लगभग दो स्क्वाड रहते हैं मेरे सामने बंदे, लेकिन मैं अभी इसको मारूंगा नहीं, पहले जरा अपने लिए परफेक्ट एंगल ढूंढू। ये नाइस साइको 44, हमने मिस्टर अबू बीटी वाईडी का बदला ले लिया, इस बंदे ने मिस्टर अबू को मारा था भाई, हमने अपना बदला पूरा कर दिया। ऑलराइट गाइस, नीचे बंदे फुल चांस, नाइस, ये भी गया, बस एक ही बंदा नीचे रहता है। यहां से लेफ्ट साइड से आवाजें आ रही है, लेकिन मैं इसी पे फोकस करूंगा, वो आएगा नहीं, वैसे भी मैंने ग्लू लगा, वो ये गया, नाइस, बहुत ही मजे की भाई हमने फ्री में, मतलब फ्री में तो नहीं है, लेकिन चांस हमें बहुत अच्छा मिला ना, कवर हमने बहुत बढ़िया ढूंढा। ऑलराइट गाइस, बस एक ही स्क्वाड रहता है, पांच बंदे, मतलब तीनों के तीनों, बल्कि पूरा स्क्वाड सामने, नाइस, एक गया, अजुल भाई कैसे हो भाई। ऑलराइट गाइस, अभी भी तीन बंदे रहते हैं, हम इजी नहीं हो सकते। अरे, नेड कर रहे हैं, कमन, क्विकली, इंशाल्लाह आज बुया की फुल कोशिश करेंगे, हमेशा मैं आखिर में मर जाता हूँ भाई, बस ना, इस दफा तो बुया करके ही रहेंगे। अरे वे, अभी नेड पे मैं उड़ जाता,
चलो भाई, चलो चलो चलो, रश मारते सामने सामने सामने। नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा। किधर है? एक बंदे के पास चार्ज बस्टर है, ध्यान रखना पड़ेगा यार। वे इसे देखो भाई, वो ये तो हमारा हैकर भाई है, हैकर या जमा जिसको हमने पोची नोक में एक से दो दफा मारा था। अजुल भाई भी गया, हैकर भाई भी गया, सारे पुराने दोस्त आ रहे हैं भाई, सारे पोची नोक वाले दोस्त आ रहे हैं। ये लोग अभी तक सरवाइव कर गए थे, सिर्फ आखिरी बंदा रहता है दोस्तों, सिर्फ आखिरी बंदा, एंड उसे भी हमने ढूंढ लिया। ये नाइस, दो हेड लगे, इसको जरा पिस्टल से मारते हैं, राइट, इसके मजे लेते हैं। अगर मर गया ना तो फिर मैं गालियां दूंगा अपने आप को कि भाई पिस्टल की वजह से मैंने बुया जाया कर दिया। इसके पास कौन सा, ओए चार्ज बस्टर है, अरे भाई। एंड इसी के साथ हमारा हो गया 20 किल्स के साथ बुया। राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें दोस्तों, इस वाली गेम प्ले में भाई आज के गेम प्ले से भी ज्यादा इम्पॉसिबल और मजे मजे के सीन्स हुए थे, तो मिस ना करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करके जाना। एंड विद दैट सेड, अल्लाह हाफिज़।